नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंकित गार्डनिंग। दोस्तों आज हम बताएंगे एलोवेरा की कटिंग कैसे लगाएं, ये रियल है या फेक। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों हमने दो एलोवेरा की कटिंग ले ली है, एक जड़ से ली है, एक थोड़ा ऊपर से ली, और हमने शहद भी ले लिया है। अब हम इस कटिंग के पीछे शहद को लगाएंगे, उसके बाद इसे मिट्टी में लगा देंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने शहद अपने हाथ पे ले लिया है। अब इसके एंड पोर्शन पे शहद लगाएंगे, उसके बाद हम एलोवेरा को लगाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं ये सच में ग्रो करता है या नहीं। तो दोस्तों हमने एलोवेरा की कटिंग पे शहद अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए हमने शहद को अच्छे से लगा लिया। अब इसे हम मिट्टी में लगाएंगे। दोस्तों हम लगा रहे हैं, उसके बाद आपको हम कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट दिखाते हैं, 7-8 दिन बाद का, क्योंकि हमने बहुत सा वीडियो देखा है कि लोग ऐसे लगाते हैं वो ग्रो हो जाता है। तो हमने सोचा इस पे भी एक वीडियो बनाए ताकि देखे या रियल है या फेक। दोस्तों हम इसे पानी देंगे, हमने अच्छे तरीके से इसे पानी दे दिया है, ये देखिए अच्छे से पानी दे दिया। तो फ्रेंड्स अब हम आपको 7 दिन बाद का व्यू दिखाते हैं। देखिए हमें प्लांट किए 7 दिन हो गया, ये देखिए ये ग्रो नहीं हुआ, ये देखिए पीछे से इसके सूखने लगा है। अब हम दूसरे वालों को भी देखेंगे, देखें वो ग्रो हुआ या नहीं। तो दोस्तों देखिए हमने इसे निकाल लिया है, और ये देखिए ये भी ग्रो नहीं हुआ, ये पीछे से भी सूखने लगा और गलने लगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, एलोवेरा की कटिंग से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होता। तो आपको सिर्फ मात्र एक ही तरीका है कि बेबी प्लांट से आप एलोवेरा के बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं, ना कि किसी कटिंग से। तो आपको अगर एलोवेरा का पौधा उगाना हो तो आप बेबी प्लांट ही लीजिए, ना कि कटिंग लीजिए। अगर आप कटिंग लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और ना ही आपको एलोवेरा का पौधा प्राप्त होगा, ना ही कुछ लगेगा हाथ। इसलिए आप बेबी प्लांट से ही एलोवेरा की पौधे को ग्रो करें। फ्रेंड्स हम आपको नई नई टिप्स देते रहेंगे कैसे अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।